एक तरफ दिल्ली में शाहीन बाग पर सियासत गर्म है तो दूसरी ओर मुंबई में भी नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ बेमियादी धरना शुरू हो गया। मुंबई सेंट्रल के नागपाड़ा इलाके में एक दिन पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आकर बैठ गईं, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। अरे जातिवाद से, अरे कट्टरवाद से, अरे तानाशाही से। विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जो इस प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डटे रहेंगे, हम भी हिलेंगे नहीं आज जब तक आवाज हमारी पहुंचे नहीं, तब तक हम और ऊंची आवाज लगाएंगे, पर आवाज तो पहुंची कभी ना कभी, हम हिलेंगे नहीं। CAA और NRC के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। नारों के जरिए, अलग अलग गानों के जरिए, अलग अलग कविताओं के जरिए जो है यहाँ पर लगातार CAA और NRC का विरोध किया जा रहा है। मांग यही है कि ये कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए, और इसलिए क्योंकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। इन लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध कर रहे इन लोगों ने अपने प्रदर्शन को मुंबई बाग नाम दिया, जिसमें लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इनमें शामिल कुछ लोगों ने दीवारों पर नारे लिखकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया और पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी। पुलिस का जो बंदोबस्त है अगल बगल के एरिया में वो रखा गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे DCP हो, इलाके के ACP हो, लोकल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि एक दिन पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं।